मामला बेसिकली इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से हुई थी। ये लड़का चंडीगढ़ में नौकरी करता था, जहाँ इसकी सोशल मीडिया के जरिए इस आसाम की महिला से दोस्ती हुई। इसने महिला को चंडीगढ़ बुलाया। चंडीगढ़ में ये महिला उस लड़के के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। लड़का शादी का झांसा देता रहा और इसी बीच वो नागपुर आ गया। महिला आसाम चली आई, बच्चे की डिलीवरी हुई, वो परेशान हुई। वो रामपुर किसी तरह ढूंढते ढूंढते रामपुर स्टेशन पे आई। रामपुर स्टेशन आकर ये महिला थाने पहुंची। महिला थाने से इन्हें सूचना मिली वन स्टॉप सेंटर के बारे में। वन स्टॉप सेंटर ये पहुंची तो यहाँ की सेंटर मैनेजर चांद जी और हमारी जो काउंसलर चारू चौधरी हैं, इन्होंने उसकी स्टोरी सुनी। और बच्चे की चूँकि तबीयत ख़राब थी तो रात में बच्चे को एडमिट कराया गया। अगले दिन चारू चौधरी राजीव नगर थाने से पुलिस लेकर लड़के के घर पहुंची। वहां लड़के को बुलाया गया और दोनों के बीच बातचीत कराई गई, जहां पर ये महिला उस लड़के के साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या ये है कि लड़का पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं, तो उसकी पहली पत्नी समझौते के लिए नहीं तैयार है। अब हमारा वन स्टॉप सेंटर ये चाहता है कि किसी तरह समझौता हो जाए और ये तीनों जिंदगियाँ जो हैं ये संवर जाए, ताकि परिवार न बिखरे।